वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आई में जब हम किसी पेशेंट को या किसी की भी आंख में टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करते हैं या सामने से देखते हैं, तो हमें इतने पार्ट दिखाई देते हैं, जिसमें ये सबसे पहले आईब्रो, ऊपर आईब्रो दिखाई देती है। इसके बाद आती हैं ये दो अपर एंड लोअर आईलिड, जो आँख को खोलने और बंद करने का काम करती हैं। इसके बाद आता है ये वाइट पार्ट स्क्लेरा, और ये सफ़ेद पार्ट कॉर्निया, और कॉर्निया के अंदर ये आयरिस, जो जिसका कलर हमको दिखाई देता है, जिससे हम बोलते हैं कि किसी की आँखें ब्राउन हैं या कुछ डिफरेंट कलर की हैं, ब्लैक हैं, तो वो कॉर्निया का कलर नहीं होता, वो आयरिस का कलर होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और आयरिस इस कॉर्निया के पीछे होती है, तो उसका कलर हमको दिखाई देता है। सेंटर में ये जो सेंट्रल है, यहाँ पर आयरिस नहीं है, गोल छिद्र होता है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। और ये थोड़ा सा, मेरे पास पेन पतला वाला नहीं था तो मैंने इसी से बना दिया है, पर इतनी मोटी वेंस नहीं होती, लेकिन कंजेक्टाइवा स्क्लेरा के ऊपर होती है। तो इसको कंजेक्टाइवा को दिखाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा रेड पेन का यूज़ किया। तो ये यहाँ पर ये कंजेक्टाइवा एक मेम्ब्रेन होती है जो स्क्लेरा के ऊपर होती है, इसके ऊपर नहीं होती, ये कॉर्निया के ऊपर नहीं होती। और ये हैं आईलेसेस, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द आई है, ये हम टॉर्च लाइट से देख सकते हैं। अब इसका जब हम क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे, तो मैंने क्रॉस सेक्शन बना के रखा है, इसको हटाते हैं। ये है क्रॉस सेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द आई में देखिए क्रॉस सेक्शन का जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो सामने का पार्ट है इसको बोलते हैं, ये है कॉर्निया, और ये है आयरिस, सस्पेंसरी लिगामेंट या जूनियल्स, जिसमें लेंस फंसा हुआ होता है, और ये है सिलियरी बॉडी। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर एक तरल द्रव्य है, या कह दें कि पानी जैसा है, जो यहाँ पर फिल होता है। ओके, एंटीरियर चैम्बर किसको कहते हैं? कॉर्निया और आयरिस के बीच के स्पेस को एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। ये कॉर्निया और आयरिस के बीच की एंटीरियर चैम्बर कहलाता है। और एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ये एंगल जो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर कहेंगे। आयरिस और लेंस के बीच में जो गैप होता है, इसको पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। और ये होता है लेंस, और लेंस के पीछे विट्रियस, और ये कोरोइड, जो मैंने पेंसिल से इसको हाईलाइट किया है, इसे थोड़ा मोटा बनाया है, ये है कोरोइड और स्क्लेरा, और ये अंदर की इनर मोस्ट लेयर हो गई आपकी रेटिना। इसके बाद आता है मैकुला, जहाँ पर लाइट रेज आपकी फोकस होती हैं, और ये है ऑप्टिक नर्व, और ये है ऑप्टिक डिस्क, ये ऑप्टिक डिस्क है। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द आई का स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, जो ये आईलिड है, ये कॉर्निया है, ये आयरिस है, और ये सेंट्रल में प्यूपिल है, ये वाइट पार्ट स्क्लेरा है। और इसका जब क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे तो ये ऐसा दिखता है, ये लेंस है, ये प्यूपिल, ये एरिया प्यूपिल का एरिया है, ये कॉर्निया है, और ये आयरिस है, और यहाँ पर एक्वस ह्यूमर भरा रहता है। एंटीरियर चैम्बर कॉर्निया और आयरिस के बीच के गैप को एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, और आयरिस और लेंस के बीच के स्पेस को पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ये यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। और ये
आयरिस और लेंस वाला एरिया पोस्टीरियर चैम्बर कहलाएगा, आयरिस और लेंस के बीच में जो गैप होगा वो पोस्टीरियर चैम्बर कहलाएगा। ये स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब जब कोई भी टॉपिक आएगा, जैसे ही आप मायोपिया में पढ़ते हैं कि जो डिफिनेशन होती है उसकी कि लाइट रेज फोकस करते हैं फ्रंट ऑफ द रेटिना, तो ये है रेटिना। फ्रंट मतलब यहाँ फोकस हो जाएंगी और बैक मतलब यहाँ साइड फोकस होंगी, तो जब फ्रंट में फोकस होंगी तो मायोपिया होगा, जब बैक साइड फोकस होंगी या कहीं पर भी तो बैक साइड कहीं पे भी तो हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन पढ़ाने का ये मतलब था कि जब भी आगे कोई भी टॉपिक आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पर लाइट रेस फोकस हो रही हैं, रेटिना किसको कहते हैं, स्क्लेरा किसको कहते हैं, कोरॉइड क्या है, सिलेरी बॉडी क्या है, ये जोनियोल्स या सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हैं, आयरिस कॉर्निया एक्वस ह्यूमर क्या होता है, और इंटीरियर चैम्बर क्या होता है, एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर को आगे एसी या पीसी शॉर्टकट में लिखा रहेगा तो घबराना नहीं है। एसी मतलब एंटीरियर चैम्बर, पीसी मतलब पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर भी आपके सवालों का जवाब दे दूँगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर दूँगा। अब नेक्स्ट क्लास जल्दी आएगी और आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए और ये डायग्राम प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।